चलिए दोस्तों, तो प्रारंभ करते हैं अपनी अगली यूनिट को। और अपनी जो अगली यूनिट है, इस यूनिट का नाम मैंने आपको बता दिया है, भवन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और वर्गीकरण। लिखो भवन निर्माण एवं वर्गीकरण, भवन निर्माण एवं वर्गीकरण, भवन निर्माण एवं वर्गीकरण, ये है अपनी अगली यूनिट। इस यूनिट के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छी यूनिट है, समझिए बात को। भवन निर्माण और वर्गीकरण की बात करें तो हम यहां पर यह बात करेंगे कि भवनों के निर्माण में कौन कौन सी सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं, भवनों को किस आधार पर और किन किन प्रकारों में बांटा गया, और क्या भवनों के अंदर जो है वो बचाव के लिए जो है वो उपाय होते हैं, इनकी बात करेंगे। दोस्तों, अग्निशमन अधिकारी जो होता है वो जब भी आग को बुझाता है तो आग को बुझाते हुए जो भवन निर्माण है, उस भवन निर्माण में जो दीवार है या छत है, फर्श है, लेडर है, बीम है, इन सब से होकर हमें गुजरना पड़ता है अग्निशमन करने के लिए। हो सकता है आपको सीढ़ियों से भवन में जाना पड़े, हो सकता है आपको बीम पे चढ़ के जाना पड़े, हो सकता है फर्श पे आपको चलना पड़े, आपको छत पे चलना पड़े, इन सभी भागों का जो है वो हम उपयोग करते हैं, इन सभी भागों से हमें अग्निशमन के दौरान गुजरना पड़ता है। इसलिए जो फायरमैन होता है, इससे फायरमैन को या अग्निशमन करने वाले व्यक्ति को भवन के निर्माण की जो जरूरी आधारभूत जानकारी है वो उसको होना चाहिए। क्योंकि किसी भी बड़े मकान या भवन आदि में हम बात करें जिसमें आग के खतरे ज्यादा रहते हैं, बड़ा भवन है तो आग का खतरा भी ज्यादा रहेगा। तो जब आग के खतरे ज्यादा रहते हैं तो इसलिए किसी भी भवन या बड़ा जो मकान है, उस भवन या बड़े मकान में फायर उपकरण जो है वो हमें पहले से लगा लेने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए पहली बात तो, जिससे कि जब भी कभी आग लगे तो प्रारंभिक अवस्था में ही आग पर क्या कर लिया जाए, नियंत्रण पा लिया जाए, और जिससे बहुत ज्यादा क्या नहीं हो दोस्तों, नुकसान नहीं हो। इनकम्बस्टिबिलिटी और कम्बस्टिबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस आदि जो एलिमेंट्स हैं, उन सब के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, कौन कौन से पदार्थ भवन निर्माण में हम उपयोग करते हैं जो कि क्या है, अग्नि से है, ताप से है, कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या उनका तापमान सहने की जो है वो अलग अलग क्षमता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि भवन निर्माण की हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो भवन संरचना के जो तत्व हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात, पहली हेडिंग लगाएंगे भवन संरचना के तत्व या भवन निर्माण के तत्व या भवन निर्माण में उपयोग आने वाले पदार्थ। देखो भवन निर्माण के तत्व, भवन निर्माण के पदार्थ या तत्व। तो भवन निर्माण के पदार्थों में हम बात करें तो भवन निर्माण के पदार्थों में पहला पदार्थ क्या है दोस्तों, इनकम्बस्टिबिलिटी। इनकम्बस्टिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि 750 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है इसके ऊपर वे पदार्थ जो स्वयं जलने लग जाते हैं और न जलने वाले जो पदार्थ होते हैं उन न जलने वाले पदार्थों में वेपर पैदा हो जाती है, वाष्प उनमें उत्पन्न होने लग जाती है 750 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो इन वस्तुओं को हम इनकम्बस्टिबिलिटी कहते हैं। सीधी सीधी बात है, इनकम्बस्टिबिलिटी होती क्या है, आपसे ये पूछेगा उसका तापमान कितना है, ठीक है। तो पहला लिखो इनकम्बस्टिबिलिटी की बात करें तो इनकम्बस्टिबिलिटी जो है दोस्तों, इनकम्बस्टिबिलिटी के लिए तापमान हो गया 750। सीधा लिखो आप तो तापमान कितना, 750 डिग्री सेंटीग्रेड। पदार्थ क्या हो जाए, पदार्थ जलने लग जाए या फिर पदार्थ में वेपर उत्पन्न होने लग जाए, या पदार्थ में वेपर उत्पन्न हो, वाष्प वेपर उत्पन्न हो,
वाष्पित होने लग जाए, जैसे ही वाष्पित हो गया तो कुछ देर के बाद में वो जलेगा। तो ऐसे जो पदार्थ है जो 750 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलने लग जाए, जिनमें वेपर उत्पन्न हो जाए, वो इनकम्बसिबिलिटी पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे दोस्तों कंबसिबिलिटी, अब कंबसिबिलिटी की बात करेंगे तो ज्वलनशील गैस जो होते हैं वो निकलती है इनसे, ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशील गैसें छोड़ते हैं, या फिर यूं कह दो कि जो इनकंबसिबिलिटी पदार्थों से नीचे आते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जलने लगते हैं। ठीक है, ये 750 से ऊपर जलेंगे और जो 750 से नीचे जलेंगे, दोनों में अंतर इतना ही है, ध्यान रखना। आप बोल साहब ये भी 750 पर जल रहा है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि कंबसिबिलिटी 750 पे जल रहा है, तो जो 750 डिग्री से ऊपर के तापमान पर वो तो इनकंबसिबिलिटी, और जो 750 डिग्री से नीचे के ताप पर गर्म करने पर ही जलने लग जाए वो कंबसिबिलिटी। तो अगला लिखो नंबर दो, कंबस्टिबिलिटी पदार्थ। कंबस्टिबिलिटी पदार्थों में तापमान 750 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, एरो लगा देता हूं इसमें, अपर का एरो लगा देता हूं, पदार्थ जलने लग जाता है, जलने लग जाता है, यानी जलेंगे तो दोनों ही, लेकिन डिफरेंट केवल ताप का है। इनकंबसिबिलिटी के लिए 750 से ज्यादा तापमान, कंबसिबिलिटी के लिए 750 से कम तापमान। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो फायर रेजिस्टेंस होते हैं, अग्नि प्रतिरोधी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? फायर प्रतिरोध, लिखो अगला नंबर तीन, फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि कोई पदार्थ कितने समय तक तापमान को सहन कर सकता है, कोई पदार्थ कितने समय तक तापमान को सहन कर सकता है, कोई पदार्थ कितने समय तक तापमान को सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, अर्थात जले नहीं, अर्थात क्या नहीं हो दोस्तों, वो जले नहीं, तापमान को सहन करे, तो कितनी देर तक वो तापमान को सहन कर सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, फायर रेजिस्टेंस कहलाता है, अग्नि प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्नि प्रतिरोध या फायर रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, क्लियर, लिखो कोई पदार्थ कितने समय तक तापमान को सहन कर सकता है, यही उसका फायर रेजिस्टेंस यही उसका फायर रेजिस्टेंस कहलाता है, यही क्या कहलाता है, फायर रेजिस्टेंस कहलाता है, यही क्या कहलाता है, फायर रेजिस्टेंस कहलाता है। दोस्तों नोट कर दीजिए, आराम से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सी यूनिट है, धीरे धीरे समझते चलना है। टेक्निकल प्रश्न आएंगे, दो प्रश्न आपको यहां से पूछेंगे, बिल्कुल 100% आपको यहां से क्लासरूम के जो नोट्स हैं इनमें से आपको मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला आता है एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब भी हम इमारत को बनाते हैं तो इमारत के वे हिस्से या वे तत्व जो टेम्परेचर का कुछ देर तक विरोध करते हैं, या यूं कह दीजिए जो कि उस भवन को बनाए रखते हैं, खड़ा रखते हैं, गिरने नहीं देते, वो उसकी एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है। तो सीधा सीधा एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर जो जो संरचना है वो सारी एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे नींव की बात करें, जैसे बीम की बात करें, जैसे कॉलम की बात करें,
ठीक है, या दीवार की बात करें या फर्श की बात करें तो सारे एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है। अगला लिखो नंबर चार, एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर संरचना के तत्व, एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर तो भवन की संरचना के तत्व। अब भवन की संरचना तत्वों में एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, नींव, तो लिख दो इसमें इसमें निम्न संरचनाएं शामिल हैं, इसमें निम्न संरचनाएं, इसमें निम्न संरचनाएं शामिल होती हैं, निम्न संरचनाएं शामिल होती हैं, कौन कौन सी, नींव, नींव शामिल है, कॉलम शामिल है, बीम शामिल है, दीवार शामिल है और छत फर्श शामिल है, फर्श और छत शामिल है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है किसी भवन के लिए, किसी भवन की संरचना के भाग हैं। भवन इन्हीं से तो बनता है, तो यही तो वो भाग हो गए, लिख लीजिएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात अब आती है, जहां से आपको एग्जाम में पक्का पक्का प्रश्न पूछेगा, आपको उपयोग के आधार पर बिल्डिंगों के प्रकार पूछेगा। क्या पूछेगा, उपयोग के आधार पर दोस्तों, हमें बिल्डिंगों के प्रकार पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये प्रकार कौन कौन से हैं, इनको हमें ध्यान रखना होगा। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं भवन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है वो भवनों के निर्माण में हम उपयोग लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा ईंट हो गई, जैसे रोडी सीमेंट हो गई, कंकड़ हो गई, टाइल हो गई, पाइप हो गई, लकड़ी हो गई, टीएमटी का सरिया हो गया, रेत हो गई, बजरी हो गई, कांच का भी उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें हम भवनों के निर्माण में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले बिल्डिंगों के प्रकार देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं, फिर इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए, उपयोग के आधार पर बिल्डिंगों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न पूछेगा पक्का। लिखो उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर बिल्डिंग या बिल्डिंगों का या भवनों का, बिल्डिंगों या भवनों का वर्गीकरण, बिल्डिंगों या भवनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उपयोग के आधार पर बिल्डिंगों या भवनों का वर्गीकरण हम देखें तो ये कौन कौन सा है। एक तरफ तो हम ग्रुप का नाम लिखेंगे, जिसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे ग्रुप देंगे, और इन ग्रुप में जो बिल्डिंग आती है वो बिल्डिंग कौन सा प्रकार होगी ये देखेंगे। तो आप लिखेंगे इधर, तो एक तरफ तो लिखेंगे ग्रुप, क्या लिखेंगे, ग्रुप, और एक तरफ लिखेंगे टाइप ऑफ बिल्डिंग, क्या लिखेंगे दोस्तों, बिल्डिंगों के प्रकार, टाइप ऑफ बिल्डिंग, एक तरफ तो लिखेंगे ग्रुप और एक तरफ लिखेंगे टाइप ऑफ बिल्डिंग। कौन से ग्रुप की बिल्डिंग का प्रकार क्या है, जैसे वो आपसे कहेगा ग्रुप ए, तो ऐसे बिल्डिंग जो ग्रुप ए में रखी जाती हैं, उन बिल्डिंगों का टाइप क्या होता है, तो वो आवासीय भवन होते हैं, रेजिडेंशियल होते हैं। देखो आवासीय भवन, आवासीय भवन, आवासीय भवन, प्रश्न पूछेगा आवासीय भवनों को किस ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है या विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है, तो ए ग्रुप में। बी ग्रुप में जो भवन आते हैं वो आते हैं शैक्षिक भवन, तो आवासीय भवनों में तो जैसे कौन हो गया, घर मकान, घर मकान, ठीक है। ग्रुप बी में आते हैं दोस्तों कौन से, शैक्षिक भवन, एजुकेशनल, शैक्षिक भवन, एजुकेशनल बिल्डिंग,
जैसे स्कूल कॉलेज जहां पर फर्नीचर का ज्यादा उपयोग हो रहा है, ठीक है, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग। ग्रुप सी में संस्थागत भवनों को रखा जाता है, इंस्टीट्यूशनल को रखा जाता है। ग्रुप सी में संस्थागत भवन, इंस्टीट्यूशनल जैसे कोचिंग वगैरह होती है, जैसे कोचिंग या कोई ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग हो गई, ट्रेनिंग सेंटर हो गए, वो संस्थागत हो गए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल हो गए। ग्रुप डी के अंदर सभागार को रखा जाता है, असेंबली जो भवन होता है उसको रखा जाता है ग्रुप डी में सभागार यानी कि मीटिंग हॉल असेंबली जिसको कहते हैं उसको रखा जाता है। ई ग्रुप के अंदर 1% पूछेगा, इनमें से ध्यान रखना। ई ग्रुप में व्यापारिक भवनों को रखा जाता है दोस्तों, बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है। तो ई में लिखेंगे व्यापारिक भवन, ई में लिखो व्यापारिक भवन, ई में लिखेंगे व्यापारिक भवन, ठीक है। एफ जो ग्रुप है इसमें वाणिज्य भवनों को, देखो व्यापारिक भवन कौन से हो गए, व्यापार के लिए जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं वो हो गए इसमें, व्यापारिक भवन में शॉपिंग मॉल क्या हो गए दोस्तों, शॉपिंग मॉल हो गए। इसके अलावा एफ ग्रुप में वाणिज्य भवन, एफ ग्रुप में रखा गया है किनको, वाणिज्य भवनों को, वाणिज्य भवन, कॉमर्शियल भवन, वाणिज्य भवन। अब कॉमर्शियल के अंदर कौन आएगा, कॉमर्शियल के अंदर जो है वो आ जाएंगे जैसे आपकी होटल्स, कौन हो गए होटल, तो कॉमर्शियल है सारी, वाणिज्य भवन है होटल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जी के अंदर औद्योगिक भवन, जी ग्रुप में किनको रखा गया है, औद्योगिक भवन का मतलब हो गया कोई कारखाने। वाणिज्य भवनों में होटल हो गई, ठीक है, या फिर आपके शोरूम भी आ जाते हैं इसके अंदर, या औद्योगिक भवन हो गया कौन सा, जी जैसे कारखाना। एक होता है एच ग्रुप जिसमें भंडार गृह भवन रखे जाते हैं, स्टोरेज, कौन सा हो गया, एच भंडार गृह भवन, गोदाम, क्या होते हैं, गोदाम होते हैं, गोडाउन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आई या जे में खतरनाक भवनों को, हजार्डस जो भवन उनको रखा जाता है, आई या किसके अंदर, जे के अंदर, आई या जे ग्रुप में हजार्डस खतरनाक, हजार्डस बोले तो खतरनाक भवनों को, खतरनाक भवन, तो जो भवन खतरनाक होते हैं, ठीक है, किसी भी कारण से खतरनाक है, जर्जर है या और कुछ है, तो उनको रखा जाता है इसमें। ये सारे के सारे वर्ग हो गए और बिल्डिंगों के प्रकार हो गए। एक प्रश्न आपको डेफिनेटली यहां से पूछेगा, हो गया। चलिए तो ये तो हमने प्रकार देख लिए, अब ये प्रकार देखने के बाद अब हम बात करते हैं भवन निर्माण सामग्री। तो सामान्यतः भवन निर्माण सामग्री में किन किन का उपयोग करते हैं, फिर उनका जो फायर रेजिस्टेंस क्या क्या है, उन सब की बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए भवन निर्माण सामग्री की चर्चा करते हैं। और भवन निर्माण सामग्री में देखो कौन कौन से पदार्थ हम यूज करते हैं, जैसे ईंट, रेत, प्लाई, टाइल्स, पाइप, ठीक है, पाइप का उपयोग करते हैं, लकड़ी,
ठीक है, सरिया, कांच, लकड़ी, टीएमटी लोहे का सरिया, टीएमटी लोहे का सरिया, लोहे का सरिया। इसके अलावा कांच का उपयोग करते हैं विंडो खिड़की दरवाजों में लगाने के लिए, ठीक है, कांच का उपयोग करते हैं, करते कि नहीं करते। कंक्रीट का उपयोग करते हैं, कंक्रीट का उपयोग करते हैं, सीमेंट का उपयोग करते हैं, सीमेंट। ये सारे पदार्थ हैं जिनका भवन निर्माण में उपयोग करते हैं, इसलिए ये हो गई भवन निर्माण सामग्री। क्या हो जाती है? भवन निर्माण सामग्री हो गई। अब भवन का हम निर्माण कर देते हैं, लेकिन कोई भवन मान लो ढह गया, गिर गया, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तभी तो हमारी जरूरत वहां पड़ेगी रेस्क्यू के लिए। कोई इमारत अगर ढह गई है तो रेस्क्यू के लिए हमें बुलाया जाएगा। तो इमारत के ढहने के पहले कारण देखो, किन किन कारणों से इमारत ढह सकती है। तो लिखो, इमारतों के ढहने के या गिरने के, ढहने के या गिरने के कारण, इमारतों के ढहने या गिरने के कारण, इमारतों के ढहने या गिरने के कारणों में हम चर्चा करें तो निम्न कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है भूकंप, बाढ़, चक्रवात, तूफान। देखो, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, तूफान, यानी कोई प्राकृतिक आपदा, आदि प्राकृतिक आपदाएं, आदि प्राकृतिक आपदाएं, आदि प्राकृतिक आपदाएं कारण हो सकती है। साधारण भार भवन पर अपन अनलिमिटेड वेट जो है उस पर रख दें, चढ़ा दें तो गिरेगा। असाधारण भार के कारण। इसके अलावा दोस्तों, नींव की विफलता, कच्ची नींव डाली हो अपन ने, नींव ढंग से नहीं भरी हो, तो नींव की विफलता के कारण क्या हो जाता है? भवन ढह जाता है, गिर जाता है। खराब डिजाइन के कारण, अगर एंगल डिजाइन सही नहीं हो तो इसके कारण गिर जाए। खराब डिजाइन के कारण। अब यहां डिजाइन से मतलब कि एंगल अगर सही नहीं हो तो वजन किसी एक तरफ हो जाए उस कारण से। और दोषपूर्ण निर्माण, जो निर्माण सामग्री ली है वो हमने बेकार उपयोग में लिए तो उसके कारण से, ठीक है, दोषपूर्ण निर्माण चलत में काम को चेपा है तो दोषपूर्ण निर्माण। ये सारे क्या हैं? ये सारे इमारतों के ढहने के क्या है दोस्तों? कारण है। सारे क्या है? इमारतों के ढहने के क्या है? कारण है। अब इसमें क्या होता है, आग से लोहे की गर्डर लगी होती है वो तपने के कारण ढह जाए, या फर्श के जोड़ खुल जाए, ठीक है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिन कारणों से मकान जो है, भवन जो है वो गिर जाता है, या दीवार से चूने या पत्थर जो है वो अलग से गिरने लग जाए, अलग हो जाए। तो ये सारे कारण होते हैं। अब यहां एक प्रश्न तो आपको वर्गीकरण जो दिया था उसमें से पूछेगा, और एक प्रश्न आपको जो है वो डेफिनेटली पूछेगा टेम्परेचर में से। तो भवन निर्माण सामग्री में जो तापमान सहन करने की क्षमता होती है वो कितनी है उसकी बात करते हैं। भवन निर्माण सामग्री तापमान, भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री तापमान, भवन निर्माण सामग्री तापमान। तो भवन निर्माण सामग्री जो है उसके तापमान सहने की जो क्षमता है वो कितनी है? जैसे स्टील है तो कितना तापमान सहन कर सकती है, ईंट है तो कितना तापमान सहन कर सकती है, कंक्रीट है तो कितना तापमान सहन कर सकता है। तो इन तीनों का लेखो पूछ सकता है आपको इनमें से एक का। स्टील का तापमान ये कौन सा तापमान है जिस तापमान को ये सहन कर सकते हैं, जहां तक इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा दोस्तों, ईंटों का तापमान देखें तो 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ईंटों का
तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ईंटें जो है वो ताप सहन कर सकती हैं, और कंक्रीट जो है वो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकता है। कंक्रीट, तो कंक्रीट का तापमान यानी वह तापमान जिसको कंक्रीट सहन कर सकता है वो कितना है, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो तापमान है जिसको क्या कर सकती है, कंक्रीट जो है वो सहन कर सकती है। ठीक है, ओके, ये सारी बातें अपन ने की हैं। अगला जो सेशन अपन पढ़ेंगे दोस्तों उसमें अपन और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन इसका बच गया लेकिन समय हो गया है। आग को बुझाने के लिए, भवनों में आग को बुझाने के लिए क्या क्या हम उपकरण उपयोग लेंगे, कॉलम, स्टेज, बीम, ये सब क्या है इनके बारे में बात करेंगे, फायर लोड क्या होता है इसकी बात करेंगे, हमें अलग अलग जो भाग है भवनों के उनके अलग अलग कार्य देखेंगे। तो ऐसे करके एक छोटा सा पोर्शन अपना और बचा हुआ है जो नेक्स्ट सेशन में अपना हो जाएगा, तो उसकी अपन चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।